Hello everyone. We will discuss about the recursive and the recursively enumerable languages in this lecture. मान लीजिए कि आपके पास एक लैंग्वेज एल है और इस लैंग्वेज के लिए एक ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कि हम इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। तो जो लैंग्वेज एल है उसको हम कहेंगे कि दैट इज रिकर्सिवली इनमरेबल। नाउ रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज वो होगी जिसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन बन सकती है और किसी भी वैलिड इनपुट जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट होगा वो ट्यूरिंग मशीन द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। आइए इसको हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज का सेट है और ये सर्कल जो है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये वेन डायग्राम है तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पार्ट सर्कल का नहीं है उसके बाहर का पार्ट है, दैट इज ए लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए कि हमने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई है, लेट्स से ट्यूरिंग मशीन का नाम है TM1 और इस लैंग्वेज का कोई हम स्ट्रिंग पिक करते हैं। लेट्स से देर इज अ स्ट्रिंग नेम्ड एज W विच इज द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज और दैट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज। सो अगर हम इस W को प्रोवाइड करते हैं ट्यूरिंग मशीन को तो ये रिकोगनाइज कर लेगा इस W को और कहेगा ये यस है। मान लेते हैं कि हम लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट में से एक स्ट्रिंग पिक करते हैं। लेट्स से दैट स्ट्रिंग इज W' विच इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि W' इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज L। अगर हम इस स्ट्रिंग को ट्यूरिंग मशीन 1 को प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है कि ये कह दे कि ये जो W' है दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, या फिर ये ट्यूरिंग मशीन एक इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग यस और नो। तो अगर हमने ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनाई है लैंग्वेज एल के लिए जो कि रिकॉग्नाइज तो कर लेता है कि कोई स्ट्रिंग इसका पार्ट है या नहीं है इस लैंग्वेज का, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर पाता, यह मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट में से हमने कोई स्ट्रिंग ले ली तो या तो ये नो बताएगा या तो फिर ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। डेफिनेट नहीं है कि ये नो ही बताएगा। तो ऐसे केस में जो लैंग्वेज है जिसके लिए हमने ट्यूरिंग मशीन बनाई है इसको हम कहेंगे कि दैट लैंग्वेज इज ही रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई लैंग्वेज एल है और वेन डायग्राम के थ्रू हम कह सकते हैं कि दिस इज द लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई, लेट्स से द नेम ऑफ द ट्यूरिंग मशीन इज TM2। इस लैंग्वेज के लिए हमने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई है। मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है W विच बिलोंग्स टू द लैंग्वेज L। अगर हमने ये इनपुट प्रोवाइड किया है ट्यूरिंग मशीन 2 को तो ट्यूरिंग मशीन मुझे यस प्रोवाइड करता है, कहता है कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये स्ट्रिंग इसका पार्ट है। लेकिन अगर हमने कोई स्ट्रिंग ऐसी दी जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि W' इज द एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, जब आपने यही स्ट्रिंग TM2 मतलब ट्यूरिंग मशीन को प्रोवाइड किया तो ये कहता है नो। इसका मतलब है कि ये इसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए TM2 टाइप की मशीन बन सकती है जो कि इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा बल्कि यस या नो में ही हमें आंसर देगा हमेशा, ऐसी लैंग्वेज को हम कहेंगे रिकर्सिव लैंग्वेज। ओके, सो दो तरह की लैंग्वेजेस हमने आज देखा, एक रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज और एक रिकर्सिव लैंग्वेज। दोनों के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है। मान लेते हैं कि दिस इज द रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज। तो ट्यूरिंग मशीन सभी रिकर्सिवली इनमरेबल लैंग्वेज के लिए बनाई जा सकती है, लेकिन उसी का एक सबसेट होगा जिसके लिए ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है जो कि हमेशा हॉल्ट करेगी। इसका मतलब है कि वो हमेशा यस या नो में आंसर देगा, वो तो कभी भी इनफाइनाइट लूप में लाइन नहीं करेगा। तो ये जो रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं, लेट्स से इसको हम कहते हैं REC और लेट्स से रिकर्सिवली इनेबलेबल लैंग्वेज को हम कहते हैं RE। तो रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर एक्चुअली दी सबसेट्स ऑफ द रिकर्सिव इनेबलेबल लैंग्वेज। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जो चॉम्स्की हायरार्की देखी है उस चॉम्स्की हायरार्की के हिसाब से एक बार हम लोग फिर से उस डायग्राम को देखते हैं। और इस डायग्राम में एक सर्कल है, इस सर्कल में जो इनर मोस्ट सर्कल है
रेगुलर लैंग्वेजेस को डिनोट करता है जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाते हैं। जो लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं होंगी वो हो सकता है कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो, और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को हम पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। जो लैंग्वेजेस कंटेक्स्ट फ्री नहीं होंगी और पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट नहीं कराई जा सकती, हो सकता है कि वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो, और इसके लिए हम लोग लीनियर बाउंड ऑटोमेटा बनाते हैं। इसके ऊपर का जो सर्कल है वो रिकर्सिवली इनम्बरेबल और रिकर्सिव लैंग्वेजेस को डिनोट करेगा। तो एक और सर्कल हम इसके सराउंडिंग में बना लेते हैं। तो दिस इज द रिकर्सिवली इनम्बरेबल लैंग्वेज, और इसके लिए एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनेगी जो कि हो सकता है कि हॉल्ट करे और हो सकता है कि हॉल्ट ना करे। लेकिन इसके अंदर एक सर्किल है जिसको हम कह रहे हैं कि वो रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं। इसके लिए जो हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे वो निश्चित रूप से हॉल्ट करेगी। इसका मतलब है कि आंसर यस या नो में आएगा फॉर द गिवन स्ट्रिंग। सो वी हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट द रिकर्सिव लैंग्वेजेस एंड द रिकर्सिवली इनम्बरेबल लैंग्वेजेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।